जब तक पतलू खाना बना रहा है मैं क्यों ना टीवी देख लूं। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? कनेक्टेड लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाओ बॉस। देश में आए दिन लोग एक दूसरे से जरा जरा सी बात पर झगड़ते दिख जाते हैं। लोगों के मन की शांति भंग हो चुकी है और मन को शांत रखने का एकमात्र तरीका है ये देखिए, जादू की झप्पी। भक्तजनों, आपको अपने आसपास जो व्यक्ति क्रोधित नजर आ जाए उसे जादू की झप्पी देकर गले से लगा लो। गले लगते ही उसके मन में खुशी की ऐसी लहर दौड़ेगी कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगा। मन में कुछ होगा तो सिर्फ शांति और प्रेम। क्या बात कही बाबा जी ने, क्या बात कही! जादू की झप्पी में इतनी शक्ति है। मोटू, ये सब्जी कैसी बनी है जरा चख के तो बताओ। अरे पतलू, तुम कितना काम करते हो, कितना काम करते हो। आओ मैं तुम्हें जादू की झप्पी देता हूँ। आओ पतलू मेरे दोस्त। मेरा पूरा मुंह जल गया। सॉरी पतलू, मैं तो बस तुम्हारे मन को शांत करने के लिए जादू की झप्पी दे रहा था। अरे मोटू मेरे भाई, जादू की झप्पी बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे पहले बता तो देते। देखो ना, पूरी सब्जी गिर गई। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अब मैं किसी को भी दुखी नहीं रहने दूंगा। सबको जादू की झप्पी देकर पूरे फुरफुरी नगर में शांति फैलाऊंगा। जादू की झप्पी। लगता है ये भाई साहब दुखी हैं। अरे भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हो। आ जाओ, मुझसे जादू की झप्पी ले लो, मन शांत हो जाएगा। सच में तुम्हारी झप्पी ने तो कमाल कर दिया, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। अच्छा लगा, ऐसे ही खुश रहा करो। बिना बात का इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। तुमने किया होगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने कुछ नहीं, तुमने किया है। अरे भैया, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? हाँ, प्यार मोहब्बत से मिलकर रहो, जिंदगी संवर जाएगी। जादू की झप्पी ले लो। हाँ ठीक है, जादू की झप्पी। तुम्हारी जादू की झप्पी ने तो कमाल कर दिया, माफ करना भाई। मुझे भी जादू की झप्पी। थैंक यू झप्पी, आपको शांति, जादू की झप्पी। कैसा लगा? थैंक यू भैया। अरे मोटू, बड़े खुश लग रहे हो। सुबह सुबह घर से बिना बता कहाँ निकल गए थे? अरे पतलू, मैंने आज कई लोगों को जादू की झप्पी देकर खुश कर दिया। चाय वाले भैया, देखो ना, तुम 12 महीने गर्मी हो या सर्दी हो, दिन हो या रात हो, कितने लोगों को अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय नाश्ता करवाते हो। वो तो है। एक जादू की झप्पी तुम्हारे लिए बनती है ना। आ जाओ, जादू की झप्पी ले लो। आ जाओ। गला साफ, गला दी बाता, गला साफ। कैसा लगा? अब जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। मोटू ने जादू की झप्पी देने के बहाने हम सब के पर्स चोरी कर लिए। मेरा पर्स चोरी हो गया। अरे हाँ, मेरा पर्स भी नहीं है। जरूर मोटू ने चुराया होगा। मेरा वॉलेट भी गायब है। आज तो मोटू को छोड़ेंगे नहीं। चलती हुई चिंगारी को हवा मिल गई है, अब तो ये आग दूर तक भड़केगी। इस मोटू को हमारे हवाले कर दो। क्या बात है भाया, तुम लोग गुस्से से तिल मिलाए क्यों हो? अरे गुस्से में तिल मिलाए नहीं तो क्या करें? मोटू ने जादू की झप्पी देने के बहाने हम सबके पर्स चोरी कर लिए हैं। मोटू और चोरी,
मैं मान ही नहीं सकता, मोटू ने तो मुझे भी जादू की झप्पी दी है। उसका मतलब उसने मेरा गल्ला भी खाली कर दिया। अरे मेरे पैसे भी चोरी हो गए, मेरी दिन भर की कमाई चोरी हो गई। अरे मेरे पैसे किसने चुराए भाया, कौन चोरी करके भाग गया? चोर भागा नहीं, यही है, मोटू ने ही सबके पर्स चोरी किए हैं। अरे तुम लोग क्या बेफजूल की बातें कर रहे हो, मोटू कभी भी चोरी नहीं कर सकता। हाँ भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो सबको जादू की झप्पी देकर फुरफुरी नगर में शांति कायम करना चाहता हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, देखो। हाँ? पर्स ही पर्स? ओह, अरे वाह, पर्स ही पर्स। ये क्या, मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मेरी जेब में इनके पर्स कहाँ से आए, कैसे आए। नहीं पता है? पर हमें पता है कैसे आए हैं। रुक जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, पहले मैं मारूंगा, पहले मैं। हाँ बता देता हूँ। मोटू जल्दी यहाँ से भाग लो, चाय वाले की कढ़ाई का तेल और दिमाग दोनों गुस्से से उबलने वाले हैं। भागो मोटू। अरे छोड़ना मत मोटू को, छोड़ना मत मोटू को। मिशन का यही होगा, मिशन मिल गया, अभी लाया। तुम हमेशा जॉन की वजह से या बॉक्सर की वजह से मेरी छत को तोड़ देते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब छत पे दरवाजे लगाऊंगा। यारी बड़े भैया, मैं तो जादू की छप्पी। मोटू पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें जादू की छप्पी देने का आइडिया दिया किसने? अरे पतलू, वो टीवी में एक बाबा जी ने जादू की झप्पी देकर आस पास शांति फैलाने का पाठ पढ़ाया था। हाँ टीवी पर बाबा जी ने? अरे मोटू हमारे घर का केबल कनेक्शन तो पिछले एक महीने से डिस्कनेक्टेड है, तो फिर तुमने टीवी पर बाबा जी का प्रवचन सुना कैसे, देखा कैसे? अब ये बताओ वो बाबा दिखने में कैसे थे, छोटे से, मोटे से, सफेद दाढ़ी वाले नाटे से? हाँ हाँ पतलू, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन तुम हर बार मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेते हो पतलू? वो इसलिए क्योंकि मैं उस बाबा को हर बार पहचान जाता हूँ, पर तुम हर बार उस बाबा से उल्लू बन के आते हो। वो बाबा और कोई नहीं, जॉन द डॉन है। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, पतलू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जॉन द डॉन ने तुम्हारे टीवी एंटीना से वायर कनेक्ट करके तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाया होगा। यारी मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा, पर खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम ही कुछ सोचो। आइडिया सुनो, जॉन अब तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम कहाँ से आ गए? मैं लोगों को जादू की छप्पी देकर फुरफुरी नगर में शांति की स्थापना करना चाहता था, पर लोग तो मुझे ही मारने पीटने को दौड़ रहे हैं। हाँ लेकिन ये भी कोई बात हुई भला, क्योंकि जादू की छप्पी तो बड़े बड़े दुख दर्द को भुला देती है। जादू की छप्पी उड़ी बाबा, अगर ऐसा बात है तो मोटू तुम जॉन को जादू की छप्पी क्यों नहीं देता? हाँ जॉन बिल्कुल सही, सिर्फ तुमने ही मेरी भावनाओं का सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम्हें जादू की झप्पी देना चाहता हूँ, दे कर रहूंगा। आ जाओ जॉन, गले लग जाओ। कितनी झप्पी दोगे, कितनी दोगे? ये कैसी जादू की झप्पी है, मुझे कोई झप्पी झप्पी नहीं चाहिए। चिंगम सर बचाओ, मोटू की जादू की झप्पी से मुझे दूर ले जाओ, मुझे जेल में डाल दो। नो 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 जॉन, जादू की झप्पी से तो शांति फैलती है, अब हम सब बारी बारी से शांति फैलाएंगे। कम ऑन दोस्त, मारो मारो इसे, झप्पी तो पप्पी तो सब कुछ दो। मुझे बचपन में मेरे पापा ने मम्मी ने इतनी पप्पी नहीं दी जितना तुम मुझे झप्पी दे रहे हो।
मुझे झप्पी नहीं चाहिए। तुम सब मिलकर अशांति फैला रहे हो। नंबर वन, नंबर टू, भागो, जान बचा के भागो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।